नमस्ते दोस्तों, तो एक बार फिर से हो जाइए तैयार क्योंकि आप लोग की डिमांड पे एक बार फिर से लेकर के आ चुका है एक और सेकंड हैंड टाटा नैनो कार जो कि गाड़ी होने वाली है दोस्तों बेस मॉडल की। जी हाँ, और जब बेस मॉडल पर बात आती है ना तो आपको पता चल ही जाता है कि क्या ही प्राइस होने वाला है, यानी कि प्राइस तो काफ़ी ज़्यादा सस्ता आपको मिलने ही वाला है। तो आप इस गाड़ी को अगर लेने का प्लान करेंगे तो बिल्कुल ले सकते हैं। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं कि इस गाड़ी के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको हेडलाइट के बारे में बताऊँ तो इस गाड़ी का जो हेडलाइट्स है वो नॉर्मल हैलोजन देखने को मिलता है, कोई भी इसमें प्रोजेक्टर हेडलाइट नहीं आती हैं। साथ ही साथ हेडलाइट के अंदर आपको प्रोजेक्टर हेडलाइट नहीं मिलेगा दोस्तों। और साइड इंडिकेटर की बात करें तो हेडलाइट इनबिल्ट आपको साइड इंडिकेटर भी मिल जाता है, वहीं टाटा की बैजिंग भी आपको मिल जाएगी। फ्रंट में इसमें आपको सिंगल वाइपर देखने को मिल जाता है, नीचे में आपको ब्लैक बम्पर मिलता है जिसमें फॉग लैम्प की अगर हम बात करें तो फॉग लैम्प का स्पेस तो मिलता है, बट दोस्तों फॉग लैम्प इस गाड़ी के अंदर आपको नहीं देखने को मिलता है। कुछ इस टाइप का को पैसेंजर साइड आपको मिल जाएगा सीट, जो कि काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, काफ़ी ज़्यादा गद्देदार है। और रियर सीट कुछ इस टाइप से मिल जाता है जिसमें आप 2 से 3 लोगों को बहुत ही आराम से बैठा सकते हैं। और जिनका भी मन में ऐसा डाउट है कि पीछे में लेगरूम हेडरूम कम है तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छा लेगरूम हेडरूम है। आप एक बार गाड़ी में जाकर बैठ के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा लेगरूम हेडरूम कितना है और कितना नहीं है। साथ ही साथ कुछ इस टाइप से आपको गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाएगा जिसमें 120 का टॉप स्पीड दिया गया, हालांकि गाड़ी जाती नहीं है 120 दोस्तों, मैं आपको रियलिटी बताऊँ तो ये गाड़ी जाती है 90-100 के आसपास ही। और किलोमीटर की बात करें तो मीटर में आप देख सकते हो 15,595 किलोमीटर चली है, जो कि मतलब समझो कि नया ही गाड़ी है, बिल्कुल भी नहीं चला हुआ है। और कुछ इस टाइप से साइड लुक भी आपको मिल जाएगा, स्क्रैच आपको गाड़ी के ऊपर एक भी नहीं मिलता। सबसे बड़ा बात यही है, देखने वाली बात यही है कि स्क्रैच एक भी नहीं है, बेस मॉडल है फिर भी स्क्रैच नहीं है। तो आपको बाहर से बॉडी के ऊपर खर्च करने की एक भी रुपये जरूरत नहीं है जब आप गाड़ी लेंगे। तो साथ ही साथ इस गाड़ी का जो ORB हमें दोस्तों आपको ब्लैक कलर का मिलता है, वाइट कलर में नहीं है। और बम्पर भी आपको ब्लैक कलर में मिलता है, वो इसलिए क्योंकि बेस मॉडल गाड़ी और बेस मॉडल का ब्लैक कलर में आता है। ORB हम जो दोस्तों इसमें कोई भी आपको ऑटो फोल्डेबल या फिर इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल जैसा फीचर्स नहीं दिया गया। साथ ही साथ फेंडर के ऊपर साइड इंडिकेटर जो था वो आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। और ग्राउंड क्लियरेंस भी इस गाड़ी का काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और साथ ही साथ ये सेकेंड हैंड गाड़ी है दोस्तों, सेकेंड हैंड गाड़ी का टायर कंडीशन जानना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए इस गाड़ी का हम सबसे पहले टायर कंडीशन जान लेते हैं दोस्तों। इस गाड़ी के अंदर आपको 60-70% के आसपास टायर की जो लाइफ होती है वो आपको देखने को मिल जाती है, जो कि अगर आप एक सेकेंड हैंड गाड़ी ले रहे हो और इतना बढ़िया आपको टायर की लाइफ मिल रही है तो और क्या ही चाहिए दोस्तों। तो टायर कंडीशन तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, नो डाउट। 12 इंचेस का इसमें टायर साइज देखने को मिलता है। अगर हम एलॉय की बात करें तो इसमें एलॉय नहीं आती है, नॉर्मल स्टील व्हील देखने को मिलती हैं, जो कि आप सामने में देख ही रहे होंगे। अगर इसमें आप एलॉय लगवाना चाहें तो आप आफ्टर मार्केट बिल्कुल लगवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ओवरऑल तो गाड़ी तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, जो कि आप देख ही रहे हैं। गाड़ी का छत भी आप देखिए, बहुत ज़्यादा बढ़िया। रस्टिंग का जो दिक्कत होता है ना, वो इस गाड़ी के ऊपर 1% का भी नहीं है, कहीं भी आपको रस्टिंग नहीं मिलेगा। फिर चाहे आपको अंदर से देख लो या फिर आप बाहर से देख लो, रस्टिंग का कोई सीन नहीं है। और पीछे से कुछ इस टाइप से गाड़ी आपको देखने को मिलता है, पीछे से भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। जिसमें अगर हम विंडशील्ड की बात करें तो गाड़ी का विंडशील्ड काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिल जाता है, काफ़ी बड़ा है। और इसमें कोई भी डिफॉगर या फिर रियर वाइपर पीछे में नहीं मिलता है दोस्तों। साथ में टाटा की बैजिंग पीछे में मिल जाएगी और पीछे में स्पॉइलर भी नहीं मिलता क्योंकि ये बेस मॉडल गाड़ी है। और ORBM की बात करें तो ORBM इसमें दोस्तों बता ही दिया था। और पीछे का आप टेन लाइट्स देख सकते हो, पीछे का टेन लाइट नॉर्मल बेसिक सा दिया गया, कोई भी इसमें आपको LED लाइट नहीं दिया गया। ट्विस्ट की बैजिंग मिल जाएगी, नैनो की बैजिंग मिल जाएगी, XT की बैजिंग आपको मिल जाती है। इंजन की बात है तो जी हाँ, इंजन पीछे में मिल जाता है। और इस गाड़ी का पीछे से बूट को आप लॉक अनलॉक नहीं कर सकते, यानी कि ओपन ही नहीं कर सकते। और बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि इसमें बूट ही नहीं दिया गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, इसमें बूट दिया गया है। इसमें 280 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है। बूट को अगर आपको यूज़ करना है तो पीछे का जो डोर है उसको आप ओपन करिएगा, देन पीछे का जितना स्पेस है ना सीट को गिराने के बाद, वो सारा आपका बूट स्पेस ही रहता है। और ऐसा नहीं कि सीट गिरा दिए तो सीट वापस लगा नहीं सकते, सीट वापस पहले जैसा कर दीजिएगा, फिर भी जो पीछे का स्पेस होगा वो आपका बूट स्पेस ही होने वाला है। और गाड़ी के अंदर कुछ इस टाइप से आपको इंटीरियर मिल जाएगा जिसमें आपको डुअल टोन कलर के साथ इंटीरियर मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम, काफ़ी ज़्यादा क्लासिक लगती है। और फ्रंट में इसमें 2 बड़े बड़े ग्लव बॉक्स मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। और ग्लव बॉक्स के जस्ट बगल में आपको 2 स्पीकर्स दिए गए हैं। वहीं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो नॉर्मल बेसिक साइज में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया, कोई भी दोस्तों इसमें डिजिटल मीटर नहीं दिया गया। फ्रंट में 4 AC वेंट मिल जाएंगे विथ हीटर के साथ, सो ठंडी व गर्मी दोनों में आप इस गाड़ी के AC के पूरे पूरे मज़े उठा सकते हैं। और AC कंट्रोल्स की बात करें तो मैनुअली दिया गया, कोई ऑटोमेटिक AC इसमें नहीं आती हैं। वहीं म्यूजिक सिस्टम की बात करें तो म्यूजिक सिस्टम इसमें आपको आफ्टर मार्केट लगी हुई मिलती हैं, कंपनी फिटेड नहीं है। स्टेयरिंग की बात कर ले तो स्टेयरिंग दोस्तों इसमें आपको पावर स्टेयरिंग बेशक देखने को नहीं मिलता है दोस्तों, 2S स्कोप स्टेयरिंग व्हील पावर स्टेयरिंग नहीं मिलता, लेकिन जब आप गाड़ी चलाओगे, गाड़ी आप स्टार्ट करोगे तो स्टेयरिंग काफ़ी ज़्यादा लाइट हो जाएगा, तो आपको फील ऐसा नहीं होगा कि आप विदाउट पावर स्टेयरिंग वाला गाड़ी चला रहे हैं। और इस गाड़ी का जो विंडोज है फ्रंट का, वो आपको मैनुअली देखने को मिलने वाला है, कोई ऑटो हैंड रोटेटिंग या फिर सॉरी मैनुअली है दोस्तों, कोई पावर विंडोज इसमें नहीं मिलेगा, चाहे वो फ्रंट का विंडोज या फिर
रियर का विंडोज़ हो। चलिए अभी हम मॉडल के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं टाटा नैनो 2015 मॉडल, ठीक ठाक मॉडल है, बहुत ज़्यादा नीचा नहीं है, बहुत ज़्यादा ऊपर मॉडल भी नहीं है। पेट्रोल वेरियंट गाड़ी है, पेट्रोल पर अगर मैं आपको उसका एवरेज बताऊँ तो दोस्तों आपको सिटी में एवरेज बहुत ही आराम से 19-20 की निकाल कर देगी। हाईवे की बात करें तो हाईवे पर आपको 27-28 की एवरेज निकाल कर दे देगी। और अगर इसमें आप सोच रहे हो कि CNG लगवाने का लेने के बाद, तो जी हाँ बिल्कुल वो भी आप करवा सकते हैं। दोस्तों आप गाड़ी में CNG दो तरीके से लगवा सकते हैं, एक तो होगी आपके ब्रांड न्यू CNG, दूसरी होगी आपके सेकंड हैंड CNG। तो डिपेंड आपके ऊपर करेगा कि आप कौन सा CNG लगवा रहे हैं, ब्रांड न्यू या फिर सेकंड हैंड। अगर आप गाड़ी में दोस्तों सेकंड हैंड CNG लगवाते हैं तो 15,000 के अंदर में आप बहुत आराम से CNG लगवा सकते हैं, और अगर आप फर्स्ट हैंड ब्रांड न्यू लगवाएंगे तो 30,000 के आसपास आपका खर्चा आ जाएगा, जिसमें आपको 5 किलो का CNG टैंक देखने को मिल जाता है। और सेकंड हैंड CNG में दोस्तों आपका जो CNG का सिलेंडर होता है ना, वो बस सेकंड हैंड होता है, बाकी सब नया ही होता है, सो टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। और अगर हम बात करें CNG के ऊपर एवरेज की, तो दोस्तों आपको टाटा नैनो CNG के ऊपर एवरेज निकाल कर दे देती है सिटी में 27-28 की, और हाईवे की बात करें तो हाईवे पर आपको 30-35 बहुत आराम से एवरेज निकाल कर दे देगा। तो एवरेज में कोई कमी देखने को नहीं मिलता। किलोमीटर तो मैंने आपको मीटर में देख के बता ही दिया था, और गियर इसका मैनुअली देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट ऑनर गाड़ी है, आप जब गाड़ी को लेंगे तो बन जाएंगे इस गाड़ी का सेकंड ऑनर। साथ ही साथ मैं आपको लोकेशन बताऊं तो दोस्तों गाड़ी है बैंगलोर की, गाड़ी लेने के लिए या फिर देखने के लिए भैया आपको बैंगलोर ही जाना पड़ेगा, आपके पास गाड़ी नहीं आ पाएगा, तो एक दिक्कत है। हाँ, और होम डिलीवरी अवेलेबल नहीं है, हालांकि NOC अवेलेबल है गाड़ी का, तो आप कोई भी स्टेट से आप बहुत आराम से गाड़ी को बाई कर सकते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको NOC के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ। दोस्तों NOC का मतलब होता है कि अगर आप कोई अदर स्टेट की गाड़ी अदर स्टेट में ला रहे तो वहाँ पर आपको NOC की ज़रूरत पड़ती है, और पुलिस वाले ज़्यादातर मांगेंगे आपसे, तो आप ज़रूर से ज़रूर NOC ले लीजिएगा, नहीं तो आपकी गाड़ी जब्त हो सकती है। चलिए अभी हम बात कर लेते हैं दोस्तों कुछ इंजन से रिलेटेड। तो इस गाड़ी के अंदर आपको 624 सीसी का इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी छोटा इंजन है। दो सिलेंडर इंजन के साथ है गाड़ी आती है, काफ़ी बढ़िया पावर प्रोड्यूस करती है। पावर की बात करें तो ये गाड़ी पावर प्रोड्यूस करती है 37.48 BHP की। वहीं अगर हम टॉर्क की बात करें तो 51 Nm का इसमें आपको टॉर्क भी देखने को मिल जाता है। सीटिंग कैपेसिटी इसमें 4 लोगों का देखने को मिल जाता है, हालांकि आप इसमें चाहें तो 5 लोगों को भी बहुत आराम से बैठा सकते हैं। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो दोस्तों 24 लीटर का इसमें आपको फ्यूल टैंक देखने को मिल जाएगा, जो कि गाड़ी के हिसाब से तो इनफ है। बॉडी टाइप हैचबैक में आती हैं। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 180 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस भी देखने को मिल जाएगा, जो कि इंडिया के सड़कों के हिसाब से तो दोस्तों A1 है। आप कहीं भी उछलाते कूदाते गाड़ी को चलाओ, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए अभी हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी के प्राइसिंग के बारे में। तो दोस्तों ऑनर का आस्किंग प्राइस है 1,30,000 रुपये, लेकिन प्राइस जो है नॉगोशियेबल है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम गाड़ी आपको पड़ जाएगी 80,000 से 90,000 के अंदर में। रही बात ऑनर के कॉन्टैक्ट नंबर की, तो ऑनर का कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको डिस्प्ले पर प्रोवाइड करा दिया हूँ, तो डिस्प्ले पर दिए गए नंबर पर आपको कॉल करना है, सीधा ऑनर से बात हो जाएगा। जो भी आपको गाड़ी के बारे में पूछना हो, जो भी डिटेल्स चाहिए हो, आप बिल्कुल ऑनर से पूछ सकते हैं, और गाड़ी लेना हो तो आप गाड़ी को ले भी सकते हैं। बस ध्यान ये रखें कि अपने साथ मैकेनिक को जरूर ले जाएं, ताकि आपका इंजन बढ़िया से चेक कर दे आपका मैकेनिक। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो के साथ।